हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग दाल के पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मूँग दाल ले ली है। अब इसे हम पानी से अच्छी तरह से 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसे हम पानी में भिगोकर 3-4 घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते ले लिए हैं। इसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 चम्मच इसमें दही डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी धनिया की चटनी बनकर एकदम तैयार है। दाल को रखे हुए लगभग 4 घंटे हो गए हैं। ये देखिए, ये फूल भी चुकी है। मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आराम से टूट भी रही है। अब हम इसमें सारा पानी इसका ड्रेन कर देंगे। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। इसमें मैं पानी भी ऐड नहीं कर रही हूँ, हम इसे ऐसे ही पीस लेंगे। ये देखिए, दाल एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गई है। ये हमने सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें 1 इंच चौपकी हुई अदरक डाल देंगे, 3 चौपकी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 मैंने चॉप किया हुआ अनियन ले लिया है, थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 1/4 चम्मच काला नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी पकोड़े बनाने के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे। ये देखिए, पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसे मैंने जालीदार बर्तन के ऊपर रखा है ताकि इसमें इसका क्रिस्प बना रहे। इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे क्रिस्पी मूंग दाल के पकोड़े सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।